देखिए, पहला दूसरा क्वेश्चन है, इवालुएट इंटीग्रल 0 से 1 प्लस आई, इवालुएट इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आई और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड, इसको इवैल्यूएट करना है जिसके लिए अलग अलग कंडीशन है। तो पहला है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड इज इक्वल टू द 0 टू जेड इज इक्वल टू द 1 प्लस आई। दूसरा है, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इज 0 टू जेड इज इक्वल टू द 1 एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम जेड इज इक्वल टू द 1 टू जेड इज इक्वल टू द 1 प्लस आई। और थर्ड है, अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम जेड इज इक्वल टू द 0 टू जेड इज इक्वल टू द आई एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इज इक्वल टू द आई टू जेड इज इक्वल टू द आई प्लस 1। ये आपकी तीन कंडीशन है। इन तीन कंडीशन में अलग-अलग जो है आपकी वैल्यूज आएगी। तो हमको जो इवैल्यूएट करना है वो क्लोज इंटीग्रल, वो आपका इंटीग्रल 0 से 1 प्लस आई और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें जो पहला वाला क्या है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब यहाँ पे देखिए, जेड इज इक्वल टू 0, ये आपका एक्स वाई प्लेन है जिसमें जो आपका रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया एक्स बी 0 बाई जेड, क्या होता है एक्स प्लस आई वाई होता है। तो जेड 0 का मतलब एक्स 0 वाई 0 दोनों 0 है, तो ये ओरिजिन हो गया है, तो ये लाइन ओपी हो गई। और जेड इज इक्वल 1 प्लस आई का मतलब हो गया एक्स भी 1 है वाई भी 1 है, यानी 1 कॉमा 1, तो वो पी पॉइंट 1 कॉमा 1 हो गया है। तो जब हम लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी वैल्यू होगी वाई इज इक्वल टू दी एक्स, यानी लाइन ओपी जो होगी वो होगी वाई इज इक्वल टू दी एक्स। इसी तरीके से जब वाई इज एक्स है तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स हो गया है, ये हम ओपी की बात कर रहे हैं बस। अब एक्स तो यहाँ पे जो वेरी कर रहा है क्या है, हम काम क्या करेंगे, जो आपके वो आपका एक्स वाई है किसी एक को वेरी करा देंगे, क्योंकि इंटीग्रल में कोई एक ही वैल्यू वेरी करेगी। तो यहाँ पे एक्स वेरी कर दिया 0 टू 1, यानी देयरफॉर इंटीग्रल 0 से 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड, जहाँ पे जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई है, तो डी जेड हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो अब यहाँ पे हमने एक्स वेरी किया तो 0 टू 1 हो गया है, और जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स रख देंगे और डी वाई के प्लेस पे डी एक्स। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आई 1 प्लस आई कॉमन हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। तो इस तरीके से एक्स क्यूब अपॉन 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3 प्लस 1/3 आई। तो इसमें ये देखिए जो ए पार्ट है वो समझ में आया कि नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ए पार्ट में तो बताइए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, एक एक पार्ट समझिएगा, ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है, लेकिन हर पार्ट में इंटीग्रल 0 से 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। तो हम पहले पार्ट को बता रहे हैं, पहले पार्ट में ये कहा गया है कि एक लाइन है जो जेड इज इक्वल टू 0 से जेड इज इक्वल 1 प्लस आई गई है, तो उस लाइन के मुताबिक हमको इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। तो जेड 0 का मतलब क्या है, जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है इसका मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ पे जो एक्स है वो रियल पार्ट है और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है।
जेड जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो बाई एक्स प्लस आई वाई होता है, तो इसलिए ये ओरिजिन हो गया जीरो कामा जीरो। इसके बाद जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई है, यानी एक्स वन है और वाई भी वन है, तो वन कामा वन, तो ये पॉइंट हो गया पी वन कामा वन। तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया है ओपी, अगर ओपी लाइन दिया तो आप जानते हैं कि ये लाइन 45 डिग्री के एंगल पे बनाती है, इसकी लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू dx, तो y इज इक्वल टू x है यानी dy इज इक्वल टू dx। अब हम सब कुछ जितना है वो x में चेंज कर देंगे क्योंकि किसी एक वेरिएबल में चेंज किया जाता है, तो इसलिए 0 से 1 प्लस y हो गया 0 टू 1, यानी x की वैल्यू 0 y x की वैल्यू 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट, और जहां जहां y है वहां वहां x रखेंगे और जहां dy है वहां पे dx, और ये dz जो है वो dx plus idy हो जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो आपकी वैल्यू तो आ जाएगी माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री आई। तो सिर्फ ए वाला पार्ट देखिए फिर आगे बताएं। सिर्फ लाइन ओपी को देखिए, ये x एक्सिस y एक्सिस, x है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट, यानी x है रियल एक्सिस और y है इमेजिनरी एक्सिस। समझ आया? ये सर समझ आ गया। अब दूसरा पार्ट देखिए बी वाला, बी वाले में क्या कहा गया, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू द 0 टू z इज इक्वल टू द 1, ठीक है। अब देखिए z इज 0 टू z इज इक्वल टू द 1, z इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि रियल एक्सिस यानी लाइन OA की बात कही जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अब दूसरा है आपका along a line parallel to imaginary axis, imaginary axis के parallel है जहां पे z1 से z1 plus i, और z1 का मतलब हो गया आपका 1 comma 0 से 1 plus i का मतलब हो गया 1 comma 1। तो इस तरीके से ये हो गई लाइन AP, यानी यहाँ पे जो B वाला है वो OA और AP लाइन गिवन है, 0 से 1 है OA और 1 से 1 प्लस I है OP AP। तो अब यहाँ पे हमें काम क्या करना है कि 0 से 1 प्लस I है तो इसका मतलब हो गया है कि एक इंटीग्रल OA होगा और फिर AP होगा, इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। अब हम लाइन OA की बात कर रहे हैं, लाइन OA क्या है, x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे y जीरो होता है, तो dy हो जाएगा जीरो, यानी सिर्फ x बचेगा, तो x वेरी क्या हो रहा है जीरो से वन, तो यहाँ पे जब y जीरो हो गया तो z प्लस x, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई में y जीरो हो जाएगा तो dz इज इक्वल टू dx हो जाएगा। तो जहां तक है वहां तक समझ में आ रहा है, जो बी पार्ट है वो जहां तक स्पेस पे है वहां तक समझ में आ रहा है? नहीं सर, ये जो इंटीग्रल ये नहीं आ रहा समझ, जो ओए फिर एपी। देखिए मैं फिर बता रहा हूं,
ये है आपका, ये ओए है, यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा जेड जीरो से जेड वन, जेड जीरो से जेड वन का मतलब ये क्या है, जीरो है और ये वन है, तो यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये हो गया, अगर हम इसको देखिए, इसको अगर जेड जीरो लिखे तो जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, और जीरो प्लस आई जीरो, यानी एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है, तो ये तो हो गया ओरिजिन, असल में आया। फिर दूसरा है जेड इज इक्वल टू दी वन, तो जेड इज इक्वल टू दी वन का मतलब हो गया एक्स प्लस आई वाई, अगर इसको वन को ब्रेक करें तो वन प्लस आई जीरो, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी वन कॉमा जीरो, तो वही यहाँ पे लिखा है, ये वन कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा जीरो है, हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ इस वाली लाइन की, ये समझ में आया? यस सर, यस सर। अब इसमें आइए, जेड वन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया वन कॉमा जीरो, यही तो हुआ अभी हमने निकाला है, यस सर। जेड वन का मतलब क्या होता है, वन कॉमा जीरो, ठीक है, और दूसरा क्या है, जेड इज इक्वल वन प्लस आई, तो जेड इक्वल टू दी, हाँ वन प्लस आई का मतलब हो गया वन कॉमा वन, तो ये हो गया आपका वन कॉमा वन, इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है आपका, ये दो में ब्रेक हो जाएगा, OA प्लस AP, समझ रहे हैं? यस सर। अब इसमें आइए, अब एक एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, अब OA की बात करेंगे, OA क्या है, OA है क्या, x एक्सिस पे लाइन है OA, और एट x एक्सिस y जीरो होता है, तो dy जीरो हो जाएगा, इसका मतलब, और वेरी क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो वेरी कर रहा है, ये तो ओरिजिन है ना जीरो कॉमा जीरो, तो अगर वेरी देखें तो एक्स वेरी कर रहा है, वाई तो जीरो है ही है, वेरिएशन किसका हो रहा है, एक्स का, तो एक्स वेरी फ्रॉम जीरो टू वन, एक्स का हो रहा है वाई, ठीक है, और जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, तो dz क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्योंकि y जीरो है, तो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब इसके आगे देखिए, अब यहां पे सिर्फ लाइन OA की हम बात कर रहे हैं, बस लाइन OA की बात कर रही है, ये कर गया, यहाँ पे ये जो OA है, OA क्या हो गया, वेरी हो गया जीरो से वन, x वेरी कर रहा है, y है जीरो, तो इसने रख दिया है x, x तो x ही रहा, y जीरो हो गया है, तो i x स्क्वायर, और dy, dz क्या है, dz है dx, अब इसको सिंपलीफाई कर लिया है हमने, ये सिंपलीफाई किया, इसकी वैल्यू ये आ गई है, तो यहां तक देखिए, ये समझ में आया? सिर्फ लाइन OA की बात हो रही है पहले टर्म की। यस सर। अब आते हैं लाइन AP पे। लाइन एपी क्या है, लाइन एपी अगर हम देखें तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब लाइन एपी की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू दी वन, क्यों, यही तो होगी, यस सर, यस सर, एक्स इज इक्वल टू वन, तो लिखेंगे लाइन एपी पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू क्या, एक्स इज इक्वल टू वन, तो डी एक्स हो जाएगा जीरो, तो डी जेड क्या होता है, डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो dx जीरो हो जाए तो dz हो जाएगा idy, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x इज वन है, इसका मतलब वेरिएशन किसमें होगा, y में होगा, तो y वेरिएशन क्या होगा, जीरो टू वन दिख रहा है, तो यहाँ पे AP के प्लेस पे y, अब ये सब y में चेंज होगा, जीरो टू वन,
और x के प्लेस पे 1 हो गया, y y ही रहेगा, यहाँ पे x के प्लेस और dz क्या है i dy, तो इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसी में रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप चाहे इसको देख लीजिए, इसमें देखिए कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, सेकंड वाले में बी पार्ट। समझ में आया बी पार्ट? यस सर। अब सी वाला पार्ट देखिए, सी वाले पार्ट में क्या है लिखा है, अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम जेड इज इक्वल टू जीरो टू जेड इज इक्वल टू दी आई, आई जीरो तो ओरिजिन हो गया जीरो कामा जीरो, आई क्या हो गया, आई हो गया जीरो कामा वन, ये लाइन ओ बी लाइन हो गई, एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू रियल एक्सिस, रियल एक्सिस कौन सी, ये है फ्रॉम जेड इज इक्वल टू द आई, आई का मतलब हो गया जीरो कामा वन टू जेड इज इक्वल वन प्लस आई, यानी बीपी की बात हो रही लाइन, यानी OB और BP की बात हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं C वाले पार्ट में, ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर समझ आ गया। अब देखिए C में, देखिए C में कहा गया है जीरो टू जेड इज जीरो टू जेड इज योर आई, यानी इमेजिनरी एक्सिस इट मींस लाइन OB की बात हो रही है, इसी तरीके से आई से वन प्लस आई में लाइन बीपी की बात हो रही है, तो इसलिए इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया ओबी प्लस बीपी में। अब ओबी की चर्चा करेंगे, ओबी क्या है, ओबी है वाई एक्सिस पे एक्स जीरो है ना, तो लिखेंगे एट वाई एक्सिस एक्स जीरो, तो जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई, तो डीजेड एक्स जीरो हो जाएगा, तो डीजेड हो जाएगा आई डी वाई, तो इसमें अगर हम देखें तो वेरिएशन किस में हो रहा है, वाई में वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब वाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन, तो एक्स के प्लेस पे जीरो रखेंगे और वाई वैसे ही रहेगा, और लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट ए, और डीजेड क्या हो जाएगा आई डी वाई, इसको सिंप्लीफाई किया है तो माइनस वन अपॉन टू आई आया है, तो वो भी को देखिए ये ओबी लाइन समझ में आया क्या आई वैल्यू,
अब इसके बाद बीपी को देखते हैं, लाइन बीपी, लाइन बीपी देखिए ऐसे बता दीजिए, लाइन बीपी में क्या होगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वी वन, वन डिस्टेंस पे है ना, तो y वन हो जाएगा और dy हो जाएगा जीरो, तो z इज इक्वल टू x प्लस iy होता है, तो dy जीरो हो जाएगा, dz इज इक्वल टू dx हो जाएगा। अब वेरिएशन किसमें हो रहा है, x में, y तो वन से कांस्टेंट है, x की वैल्यू जीरो से x इज वन, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है अगर हम ध्यान दें, y के प्लेस पे वन और dy जीरो हो गया है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई है, फिर हमने ऐड कर दिया है तो ये आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा हम बताएंगे। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है प्रूव दैट डी पार्ट क्लोज इंटीग्रल, प्रूव दैट क्लोज इंटीग्रल सी डीजेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू टू पाई आई। ये चीज है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है उसमें वो हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में जो कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था, देखिए मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड जो होता है वो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, वाई जेड क्या होता है, x प्लस i होता है, तो मॉड z हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी मॉड z इज इक्वल टू दी r, और इसका मतलब मॉड z इज इक्वल टू दी r का मतलब क्या हो गया, ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और इसको जब उसमें तब्दील किया था तो z इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा, मॉड z इज इक्वल टू r है, यानी मॉड z माइनस 0 इज इक्वल टू दी r, जहां पे जीरो क्या है, ओरिजिन है। इसी तरीके से जब इसमें लिखेंगे तो मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू दी आर, यानी जेड माइनस ए इज इक्वल टू दी आर ई की पावर थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स में जब हम सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू दी आर, जहां पे जो है वो सेंटर है, तो या z माइनस a इज r e की पावर i थीटा, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इस तरीके से ये हो जाएगा वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई एज z डिस्क्राइब्स c वंस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो dz हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो dz हो जाएगा r, और e की पावर आई थीटा का हो जाएगा इक्वल आई थीटा, फिर आई थीटा को करेंगे तो आई बाहर और थीटा का डी थीटा, तो इस तरीके से क्लोज इंटीग्रल सी में हो जाएगा जीरो से टू पाई, और ये हो जाएगा डी जेड हो जाएगा आई आर ई की पावर आई थीटा अपॉन आर ई की पावर आई थीटा, तो इस तरीके से टू पाई आई आ जाएगा। तो ये चीज आए, हेलो सर, हेलो सर, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए।
सर जल्द फिर से बता दीजिए कहाँ पे दिक्कत है सर, शुरू नहीं पा रही। हाँ